अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर वेल। सच है कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आई बिलीव कि अगर आपके पास सेहत है तो आप दुनिया के खुशनसीब इंसान हैं, और अगर आपके पास सेहत नहीं है, आप किसी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हैं, तो सॉरी टू से बट आई बिलीव आपसे बदकिस्मत शख्स कोई नहीं है, क्योंकि जब एक चीज़ आपसे ली जाती है तो तब आपको उसका एहसास होता है कि उस चीज़ की वैल्यू आपकी लाइफ में कितनी है। एंड लाइक आई हैव बीन थ्रू दिस टाइम एंड इट वाज बिट हार्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच बेटर नाउ। ट्रीटमेंट जारी है एंड आई मूव ऑन टू दिस कि वहाँ क्या मैंने देखा। आई वुड लाइक टू शेयर, लाइक मैंने आपसे कहा कि कोरोना की टीम का अगर आपको याद हो, जो कोरोना टीम थी दे विजिटेड एट आर हाउस ऑन मंडे। संडे को टेक्निकली 24 आवर्स हो जाते थे, बट दे विजिटेड ऑन मंडे, तो 48 आवर्स नियरली हो चुके थे, उससे भी ज़्यादा हो चुके थे। एनीवे मेरे माइंड में जो कंसेप्ट था, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन यूके, कि मेरे माइंड में था कि जी दो एम्बुलेंसेज होंगी बड़ी वाली, एंड 5-6 कुछ स्टाफ मेम्बर्स होंगे, एंड दे मस्ट बी इन वाइट, जो प्रोटेक्टिव उनकी किट होती है कोरोना से रिलेटेड उन्होंने वो पहने होंगे, फेस मास्क जो स्क्रीन वाले होते हैं वो होंगे, ग्लव्स पहने होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था, एंड इट वाज एंटायरली डिफरेंट। जब मैंने गेट पे बेल दी एंड आई ओपन द गेट एंड आई वाज विद शॉक, दो बंदे एंड दे वर ऑन देयर बाइक एंड दे वर इन नॉर्मल कैजुअल सलवार कमीज, एंड And I said, who you are? And they say, from Corona team. He said, well, आइए बैठिए। And mask उनके पास था, उसका होना ना होना, पहनना ना पहनना बराबर था। And they were just calm, relaxed, उनको कोई नहीं था कि जी वो किसी Corona के घर में विजिट कर रहे हैं। They were just calm. And according, they were very polite, very nice, without any disrespect. They were genuine guy, but they were very, very simple. उनको खुद भी नॉलेज नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज शायद अगर मैं ये कहूँ कि मुझे उनसे ज़्यादा नॉलेज थी, दो दे वर द प्रॉपर टीम, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी। आई एम सॉरी, आई वॉज गिविंग दैम मोर इन्फॉर्मेशन एनी वे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैम कि जिनको कोरोना से जो सफ़र कर रहे हैं उनका टेस्ट नहीं होगा, बिकॉज वो जो वायरस है आपकी बॉडी में स्टे करता है, सो द 14 आवर्स नीड टू बी कम्प्लीटेड। उसके अलावा जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका चेक हो जाएगा, एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ गुड इनफ, एंड आई रिस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दिस, यू नो, जो कंपनसेशन उन्होंने दिया है। एनीवे हमारा जो बाकी थे हम सब, हमने टेस्ट अपना करवाया, एंड उनका था कि 24 आवर्स में अगर किसी का रिजल्ट खुदा नखास्ता पॉजिटिव आता है तो हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उनका नेगेटिव है। 24 आवर्स टेक्निकली अभी तक हो चुके हैं, लेकिन किसी को अभी तक रिजल्ट कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सो डू अंडरस्टैंड, स्लो है सिस्टम, टाइम लेगा। सो ये तो हुई स्टोरी कोरोना से रिलेटेड। लेकिन मैं अगर आप ये समझते हैं कि आप बीमार हैं, ये सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं, तो प्लीज़ 14 डेज के लिए अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को कमरे में बंद करें, जो खाना पीना है अपने फैमिली मेम्बर्स को कहें कि आपको आपके डोर स्टेप तक दे दें, उससे आगे ना जाए। अगर बहुत से हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो कोरोना कोविड अभी तो ओमिक्रोन आ गया, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, बट आई कॉल देम स्टूपिड पीपल, एंड उनकी थ्योरी ये यूजलेस है, जो कहते हैं कोरोना नहीं है, कोविड नहीं है, ओमिक्रोन नहीं है, दिस इज़ पैथेटिक थ्योरी, दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट। लेकिन इनका इलाज भी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा बीमारी है जो अछूत है, अछूत तो है, तो लगने से हाथ लगाने से हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इसके वायरस है, लेकिन इलाज भी है। So if you are suffering, you think that you got such a disease, तो अपने आप को kindly isolate कर लें। अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, fine enough, ना हो खबर है दूसरों की जान की परवाह रहे, 14 दिन अपने आप को कमरे में बंद रखें, उसके बाद अगर आप देखें कि आप ठीक है, फिट है, सो देन मूव ऑन विद योर लाइफ। सो एनी वे ये थी बात कोरोना से रिलेटेड। नाउ वी मूव ऑन, जो मैंने हॉस्पिटल में देखा, इट्स अ क्लिनिक,
and I'm not going to mention the name of the clinic, but it's in a well-renowned area, Hariki Ponch mein hai. It's not in a posh area. Purpose batane ka ye hai us clinic ka ke डॉक्टर्स आजकल के इस दौर में बस पैसा बनाने वाली मशीन से कम नहीं है. ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी. मेरा कल फर्स्ट विजिट था. हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे अपनी होश नहीं थी तो मैंने वीडियो क्या बनानी थी. आज मेरा सेकंड डे था. परसों कल मेरा थर्ड डे होगा. जो आपसे आई एम गोइंग टू शेयर, तो जब मैं क्लिनिक में मेरे साथ मेरी मदर गई थी, एज सून एज आई एंटर द क्लिनिक, फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी मदर से बोली कि अगर मुझे कोरोना नहीं भी है तो यहाँ आके लाजमी कोरोना हो जाएगा. क्योंकि जो हालात थे वो थे कि आपने जिस तरह एक जो दड़बा होता है मुर्गियों का, उसके अंदर ठूंसे में है और ठूंसते जा रहे हैं. नो वेंटिलेशन सिस्टम देयर. सफोकेशन इतनी ज़्यादा थी और बच्चे और बड़े और ये सारे इस तरह खांस रहे थे कि बस एक मुझे, मेरे पर्सनली मुझे ऐसे लग रहा था कि वो समा जो है वो क़यामत से कम नहीं है. एंड फिर उसके अलावा जो स्टाफ अच्छा था, नो डाउट, वेरी पोलाइट, डॉक्टर वॉज रियली नाइस. बट द थिंग इज, आप अगलों की जानों से खेल रहे हैं और आप वो जाने मुफ्त में नहीं खेल रहे हैं, उसके बदले हम लोग आपको पे कर रहे हैं. एंड वी नीड जो हाइजीन है दैट शुड बी एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन. मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला. अपार्ट फ्रॉम, मैं बार बार कह रही हूँ, फर्श को आते थे मॉप से साफ कर देते थे. मुझे क्या देखने को सही नहीं मिला जब मुझे बारी आई. एनीवे जी, दिस इज कनोला उन्होंने लगाया है, यू कैन सी दैट. ट्रीटमेंट अभी जारी है मेरा. मुझे समझ से बाहर है कि ये एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में निकला हुआ है कि ड्रिप के थ्रू इंजेक्शन पे इंजेक्शन आपको लगा दिए देते हैं और कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक दे रहे हैं इसके थ्रू. खैर, उनका सिस्टम है, उनको मेरे से ज़्यादा पता होगा. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड आई कांट गिव माई कमेंट्स इन दैट. बट एनी वे, जब मैं वहाँ गई, स्ट्रेचर पे लिटाया गया, बताया गया कि यहाँ आपने लेटना है. And I thought she is going to change the sheet. क्योंकि उससे पहले काफ़ी पेशेंट्स उस पर लेटे थे. मेरे से पहले भी एक खातून लेटी हुई थी. एनीवे, मुझे कहा गया जी इस पर लेट जाए. आई सेड इस पर लेट जाऊँ? शी सेड यस. एंड अल्लाह का नाम लिया और ये कहा कि या अल्लाह या नसीब वाले हिसाब है. चुप करके उस पर लेट गई. यूके में ऐसा नहीं होता वहाँ, बिकॉज ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड मुझे एमरजेंसी में जाने का इत्तेफाक हुआ. एंड द डॉक्टर्स दे वर फुली, जो उनकी शील्ड होती है, प्रोटेक्टिव किट होती है, वो पहनी हुई थी. एंड पहली बात यह है कि वो तो आपको देखते भी नहीं है. बहुत कोई एमरजेंसी ऐसी आ गई है तब वो आपको अलाउ करते हैं कि आप वहाँ जाके उनको फेस टू फेस विजिट करें, अदरवाइज वो आपको फ़ोन पे सारा गाइड करते हैं. उसके बाद ये जो वो डॉक्टर थे यूके के, तो यूके में जब मुझे स्ट्रेचर पे बिठाया जा रहा था, उससे पहले मेरे सामने उन्होंने सारा उसको क्लीन किया था, ग्लव्स चेंज किए थे अपने, साफ ग्लव्स पहने थे. जो भी उन्होंने मुझे एग्जामिन करना था, करने के बाद मेरे सामने उन्होंने दोबारा से सारा वाइप आउट किया, ग्लव्स चेंज किए, जो उन्होंने एट डिस्पोजेबल एप्रन पहना था उसको उन्होंने चेंज किया. और फिर बाद में मेरे साथ बैठ के उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी उन्होंने बात करनी थी वो बात की. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था. आप खुद देखें, ये आज जो मेरा नेक्स्ट डे था यानी सेकंड डे क्लिनिक की, थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कितना फ्लोर को साफ करने से आप ये नहीं कह सकते कि हाइजीन होगी. और बाकी चीज़ों पे भी बेडशीट हो गए, उसके बेड के साइड कॉर्नर्स हो गए, जो वो स्टैंड है जिस पे ड्रिप लगती है उस पे च्युइंगम लगा हुआ है. मैं आपसे ये शेयर करती हूँ, आप ये क्लिप देखें. आई वॉज द फर्स्ट वन जिसको सर्व किया गया. बेडशीट पे जूतों के मार्क्स और बाकी स्टेन्स देखे. ये बेड के साइड्स पे आप देखें, ये मेडिसिन और इससे रिलेटेड स्टेन्स हैं जिसको डीपली अगर आप क्लीन करें तो वो ईजीली रिमूव हो जाते हैं. कोई जंग वगैरह नहीं लगा हुआ है. यहाँ आप च्युइंगम देखें, जो स्टैंड है जिस पे वो ड्रिप को हैंग करते हैं. ये देखें, ये स्टैंड पे च्युइंगम के आपने देखा है. एंड उसके बाद यहाँ मेरा जो भी था ड्रिप वगैरह लगाई गई, इंजेक्शन इंसर्ट उसमें किए गए. इसमें, इस कमरे में 6 स्ट्रेचर्स थे.
एंड में आप देखेंगे कि बस बकरों की तरह वो लिटा देते थे और जो भी ड्रिप्स थी या इंजेक्शन थे वो इंसर्ट करते थे। अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो जो दिहाड़ी वाले हैं या गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? मेरी समझ में जो आता है तो फिर वो ये आता है कि ये दिन दहाड़े जो चोरियाँ होती हैं, डाके पड़ती हैं, दैट विल रिमेन द सेम, ये कंटिन्यू रहेगा इस सिस्टम में। एंड या गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सेंट्रलाइज्ड एक जीपीज, हम उनको जीपीज जो जनरल प्रैक्टिशन होते हैं, डॉक्टर्स जिनको आप आम लैंग्वेज में बोलते हैं, एक आपका सेंट्रलाइज्ड डेटा होना चाहिए हर डॉक्टर के पास, हर पुलिस स्टेशन। अनफॉर्चुनेटली जी बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, अभी तक नादरा में ही मुझे डाउट है कि सबके आईडी कार्ड्स या जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ है तो सिक्योर है या नहीं है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कुछ डाउट्स है। खैर एनीवे जो जीपीज और ये जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट है वो इजीली एक्सेस उनको कर सके, सेंट्रलाइज्ड हो, वहाँ से एक बंदे को पता लग गया कि जी इसकी सैलरी लो ब्रैकेट में आती है, लो देन जो एवरेज नेशनल, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे पाकिस्तान की नेशनल इनकम का आइडिया नहीं है कि पर पर्सन की कितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर उससे वो बिलो दी ब्रैकेट जाता है तो वो डेफिनेटली उसको कुछ बेनिफिट्स, कुछ क्या, जो भी एक स्टैंडर्ड बेनिफिट्स होते हैं वो उनको देने चाहिए। जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्यों डेवलप्ड है, बिकॉज वी आर टैक्स पेयर्स, हम टैक्स पे करते हैं, हम हमारी सैलरी से ऑटोमेटिकली ही इतना पोर्शन जितना भी बनता है वो ऑटोमेटिकली HMRC जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो डिडक्ट कर लेता है। या मैं जान सकती हूँ कि जब टैक्स कटता है तो तकलीफ बहुत होती है, लेकिन यही वो वाहिद जरिया है जिससे आपकी हाईवेज, जिससे आपके स्कूल्स, जिससे आपके डॉक्टर्स वगैरह आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टैक्स कटता है, ऑफकोर्स कटता है, लेकिन फिर हमें वो फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आती हैं। जीपीज जिस तरह हैं आप यूके में, अब बिकॉज वी आर टैक्स पेयर्स हमारा ट्रीटमेंट फ्री होता है, हमें सिर्फ अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयर हैं तो आपको दवाइयों के पैसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं, इफ़ यू आर पार्ट टाइम वर्कर्स तो उसमें आपको फ्री मिल जाती है मेडिसिन। तो ये रोड्स आप देखें, वहाँ के रोड्स देखिए कितने अच्छे हैं, क्योंकि उनका पोर्शन हर चीज़ में, फिर जब आप टैक्स पे करते हैं तो हर चीज़ में वो डिवाइड होता है, हर डिपार्टमेंट को आपका पैसा जो टैक्स से करता है उनको मिलता है, क्योंकि वो इन रिटर्न आपको सर्विसेज इस वे में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज़ कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मेरी रूट्स पाकिस्तान से हैं एंड आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, जैसा है मेरा मुल्क है एंड आई फील ऑनर्ड। इसलिए तकलीफ जो है वो सिर्फ सिस्टम बनाने वालों से है, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान से कोई गिला कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मेकर्स हैं, उनसे ज़रूर है, क्योंकि पेपरों की हद तक एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो उसमें उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। एनीवे हमारी बात बहुत लंबी हो गई इस वीडियो में, इसको एंड इस तरह करना चाहूँगी, अपना ख्याल रखें, हेल्थ का बहुत लुक आफ्टर करें, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एंड दूसरा ये हम बगैर गवर्नमेंट के कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर दी रूल मेकर्स, वो रूल एक बनाएंगे एंड वी हैव टू ओबे, गवर्नमेंट के बगैर हम कुछ नहीं और हमारे बगैर गवर्नमेंट कुछ नहीं, इसलिए हम दोनों को मिल के चलना है। सिर्फ जो बाज़ाहिर अभी नज़र आ रहा है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको टाइम तक मिलती रहें, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।